मतलब बात करने का नया तरीका है क्या ये? हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सलमान है और मैं हूँ अभी पर दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में। तो फिलहाल दोस्तों आज है डेट 17 तारीख यानी कि 17 मार्च और मैं निकल रहा हूँ अब वीज़ा लेने के लिए। हालांकि सुबह 11 बजे एम्बेसी ओपन होता है लेकिन अभी का टाइम जो है वो है बजे हैं पूरे 8। मुझे पिछले 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर रुके हुए और मैं पिछले 10 दिन से ही यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये रूम दिया है मेरे होस्ट ने कि मैं अब अपना पूरा बैग वगैरह सब लेके जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, उधर से वीज़ा लूँगा और फिर उधर से अगर मुझे वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है, वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे वीज़ा मिला भी है या नहीं है। अगर मिलता है तो फिर मैं वहाँ से कोलकाता के लिए शाम को, मैंने ट्रेन देख रखी है वहाँ पर, शाम को दिल्ली से डेली शाम को 5:30 बजे के आसपास एक ट्रेन जाती है हावड़ा के लिए, हावड़ा जंक्शन कोलकाता, तो मैं वो ट्रेन पकड़ के शाम को कोलकाता चला जाऊंगा। अपने घर के जैसा लगने लगा है भाई यहाँ पे बैठे बैठे। तो कुछ इस तरीके से भाई यहाँ का नज़ारा है, देख लो मेट्रो पकड़ के मुझे जाना है। तो अभी तो 3 घंटे बाकी हैं लेकिन मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि जल्दी चला जाऊँ यार, वहीं पर वेट कर लूँगा, थोड़ा भी लेट हो जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत पड़ जाएगा। तो भाई ये वाला है मेरा होस्ट जिनका स्टाफ यहाँ पे रहता है और मुझे ऊपर उन्होंने दिया था रूम, तो उन्होंने बोला था कि आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे मेरे स्टाफ काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर लेना। तो मैं ये चाबी अब उनको ही देने जा रहा हूँ स्टाफ को। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ हाईवे पर और मैं यहाँ पे इस जगह का नाम है भाई सादीपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मैं मेट्रो पकड़ूंगा और सीधा जाऊंगा जहाँ पर एम्बेसी है। ये ऊपर देख लो आप मेरे पीछे, ये है भाई मेट्रो स्टेशन की लाइन और सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके से। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, यही जो दिल्ली है ये जो शाम को इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा ना आप यकीन नहीं करोगे भाई। और सुबह सुबह अभी 9 बज रहे हैं, 8:30 या 9 बज रहे हैं और भीड़ है ही नहीं, दिल्ली शाम को जागता है भाई साहब। ये रेलवे स्टेशन सादीपुर रेलवे स्टेशन मेट्रो का, कोई भी रेलवे स्टेशन आप उठा के देखोगे ना, आपको नीचे से जब देखोगे तो बहुत सा छोटा सा लगेगा लेकिन अंदर घुस जाओगे तो समुंदर मालूम चलेगा। ये देखो भाई मैं ले लिया हूँ टिकट, ये टिकट है क्वींस का जैसे टिकट होता है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सी भी जगह जाओगे ना, दो स्टेशन भी पार करोगे तो 30 रुपये पड़ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है जो कभी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे मैप सेट कर लो, आपको जहाँ जाना है गूगल पे बता देगा प्लेटफॉर्म नंबर इतना, उसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो आपको नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, अगर आपको नहीं पता है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नीचे में आपको एक पैर का जैसा निशान लगा मिलेगा, वहाँ पिंक लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऐसे हरा पीला नीला कलर का पंजा उसको पकड़ते हुए चले जाओ, आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर पहुंच जाओगे अपने वहां पे। तो भाई साहब मैं आगे चाय पीने के लिए, क्या हुआ ऐसे घूर क्यों रहे हो? देख रहा हूँ नया डिजाइन के, नया डिजाइन मतलब ये नया डिजाइन मतलब भाई न्यूज वाला नहीं है। आप न्यूज वाले समझ रहे हो? नहीं, समझ रहे हो? न्यूज वाले नहीं समझ रहे हैं। हाँ। मैं सुन रहा हूँ बात करने का नया तरीका है क्या ये? तुमको क्या लग रहा है कि मैं बेकार में बात कर रहा हूँ? अरे नहीं कोई बेकार में बात करता है। भाई अगर सुबह सुबह चाय ना पियो तो दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता है, दिमाग का ढक्कन मतलब माइंड ओपन हो जाएगा भाई। आंट जी अंडे वंडे भी बेचते हैं। 9:45 हो चुके हैं, 1:15 बाकी है, 9:30 एम्बेसी ओपन हो जाता है, लेकिन जो वीज़ा का फॉर्म जमा करते हैं और जो वीज़ा देते हैं उसका टाइम होता है भाई पूरे 11 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटे का टाइम होता है। ये पीछे जो आप देख रहे हो ये आर्मी वाला, आर्मी का है। ज़्यादातर एम्बेसी जितने भी देश हैं सारे एम्बेसी इसी दुर्गाबाई देशमुख में ही हैं, बाकी 2-4 देश के एम्बेसी अलग जगह होंगे।
पीछे देख लो भाई, ये है बांग्लादेश एम्बेसी गेट नंबर 3। यहाँ पे मैं 2 घंटे पहले ही आ गया था, लेकिन बात क्या है पता है, बात ये भाई कि आज है छुट्टी, गवर्नमेंट ऑफिस की है छुट्टी, कुछ बांग्लादेश का गवर्नमेंट है तो वहाँ का कुछ फेस्टिवल है, उसकी वजह से यहाँ पे आज छुट्टी दे दिया है, और सैटरडे संडे 2 दिन और भी छुट्टी होगा। तो अब मुझे जो मिलेगा वो 20 तारीख को मिलेगा भाई, आज 17 तारीख है, तो 20 तारीख को मंडे को आने के लिए बोले हैं। लेकिन सबसे गलत बात क्या है कि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि आप यहाँ पे आए हो तो आप, इन्होंने डेट डाल दिया 17 तारीख को जाकर ले लेना भाई, 17 तारीख को अंदर पासपोर्ट जमा करने के टाइम। अब आज जब लोग 17 तारीख को आ रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं भाई आज छुट्टी, आज नहीं हो पाएगा, कोई मतलब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं, आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। तो बांग्लादेश एम्बेसी का कुछ हाल दिल्ली में इस तरीके से, सोचा मैंने आप लोगों को, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्म दे देता हूँ भाई, ठीक है। तो बहुत से बंदे आए, 20-25-30 लोग आए, वापस चले गए, यहाँ पे बहुत भीड़ थी तभी और अभी, पर मैं भी जा रहा हूँ यार, अब कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे खड़े होने से, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं, मुझे पता नहीं यार कहाँ जाऊँगा, मुझे लग रहा है मैं गुरुद्वारे में जाऊँगा, क्योंकि जो मेरे होस्ट थे मैंने उनको ऑलरेडी उनके यहाँ पे 10 दिन रुक चुका था, तो मुझे भी बड़ा बेकार सा लग रहा था कि यार अब मैं फिर वहाँ पे जाके क्यों रुकूं। तो अब मैं गुरुद्वारा में जा रहा हूँ भाई, गुरुद्वारा में ही रुकूंगा, खाना पीना भी फ्री रहेगा, कहीं हाल में बैठूंगा 3 दिन, उसके बाद फिर यहाँ से वीज़ा लेने आऊँगा मंडे को। तो भाई साहब ये देख लो, दिल्ली का गुरुद्वारा है, इसका नाम है बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बड़ा गुरुद्वारा इसको माना जाता है। और अभी का टाइम हो चुका है 9, और 9 बजे से नहीं, मैं दोपहर में ही आ गया था गुरुद्वारा में, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया। दोस्तों ट्रेवलिंग का एक अपना अलग ही मज़ा होता है, कल तक तो मैं एसी में था और आज मैं देखो गुरुद्वारा में मुझे सोना पड़ रहा है, और कल फिर पता नहीं कहाँ पे सोऊं, और फिर जब मैं कलकत्ता जाऊं तो पता नहीं, बांग्लादेश जाऊं तो पता नहीं कहाँ पे रुकूं। तो ये होते भाई ट्रेवलिंग की लाइफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम सलमान है और मैंने शुरू में ही अपना नाम बता दिया था, लेकिन ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो पूरे 3 दिन के बाद शूट किया हूँ। यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये देखो, यहाँ से आप थोड़ी दूर पे जाओगे तो आपको दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी है, यानी कि दिल्ली में ही हूँ मैं, तो बांग्लादेश एम्बेसी है, हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश। तो मुझे, मैंने ऑलरेडी ये मेरा पासपोर्ट मिल चुका है और इसमें वीज़ा भी लग चुका है, तो अब मैं ये वीज़ा लेकर सोच रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों को बता दूँ। तो ये देख लो भाई, ये मेरा बैग है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ बांग्लादेश जाने के लिए, हालांकि यहाँ से डायरेक्ट बांग्लादेश नहीं जाऊँगा, पहले जाऊँगा कोलकाता, और कोलकाता जाने के बाद उसके बाद फिर मैं 1 दिन के बाद बांग्लादेश इंटर करूँगा। वीज़ा मिल चुका है दोस्तों, वीज़ा आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है बांग्लादेश का वीज़ा, अगर बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो भाई कैसे क्या होता है इसके बारे में आप बता दूँ। तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को बांग्लादेश से वीज़ा अप्लाई करने के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि भाई मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 15 दिन के लिए और उन्होंने मुझे 30 दिन का दे दिया, यानी कि 1 महीने का। तो भाई ये देख लो, जो मेरा वीज़ा है अभी मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ, 15 मार्च से मेरा इशू हो चुका है वीज़ा और 14 जून तक इसका एक्सपायरी डेट है, तो मैं इसके अंदर कभी भी जा सकता हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर मैं जाके 1 महीने रुक सकता हूँ, 10 दिन भी रुक सकता हूँ, सिंगल एंट्री, यानी कि अगर मैं एक बार गया तो फिर दोबारा अगर बाहर चला जाऊँगा बांग्लादेश के तो फिर मैं दोबारा एंटर नहीं कर सकता। तो भाई फ़िलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से पार्क से और मैं चलूँगा सीधा कोलकाता और अपने होस्ट के यहाँ पर सीधा नहाऊँगा। भाई वो भी सोचेगा यार क्या बंदा कितना मैला मैला बंदा है। तो देख लो भाई, यहाँ से पीछे वहीं पे एम्बेसी है, कभी आना तो इस पार्क में ज़रूर विजिट करना भाई, बहुत अच्छा पार्क है। दोस्तों देख लो कुछ इस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा, फिलहाल मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गया हूँ। यहाँ देखो पीछे आप मेरे देख लो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे पीछे देखोगे तो पूरा मार्केट है। और अभी बज चुके हैं 2:21 और मेरी जो ट्रेन है वो 5:35 की है, लगभग 3 घंटे के आसपास मेरी ट्रेन छूटेगी। दोस्तों अब वक्त आ चुका है दिल्ली को बाय बोलने का। ये जो ट्रेन दिख रही है भाई, ये सियालदह राजधानी है, एक्सप्रेस नहीं है, चल गई भाई सियालदह से, दिल्ली से सियालदह जाने वाली ट्रेन छूट चुकी है फिलहाल। ये देखो सियालदह नई दिल्ली, नई दिल्ली सियालदह, और सियालदह से सीधा फिर नई दिल्ली, ये राजधानी है। ये देखो भाई ये जा रही है सियालदह, अब ये सियालदह जा रही है, अभी टाइम हो चुका है 4:30 बजने वाले लगभग, तो ये छूट चुकी है। देख लो भाई किस तरीके से भीड़ हो रही है, जनरल बोगी है।
बाप रे बाप, ऊपर टांग दो मेरे जैसा बैग, जब मैं टांग के रखा हूँ भाई तो बिना टिकट वाले घुसे भैया, जैसे कमीने ने कहाँ जा रहे भाई? हावड़ा। हावड़ा जा रहे हो? इसमें अलीगढ़ अरे भैया लंबा लंबा चल गए, खाली वाली ना हुई, बस जगह बन गई, सब सफर करके बैठ गए। खावा नहीं आया जो पर कोई खा नहीं भाई साहब पहुंच चुके हैं हावड़ा, और ये हावड़ा रेलवे स्टेशन। इधर आप देखोगे तो भाई जो सबसे फेमस है ये देखो, ये आप मेरे उंगली देख रहे हो, ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, और अभी यहां से मैं पिछले एक महीने से ट्रैवल कर करके इंडिया के सभी जितने बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, और इतने बड़े शहर में घूम चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, और आप लोगों का सब एक्सपीरियंस भी दिखा चुका हूँ। फिलहाल अपने होस्ट को, उन्होंने मुझे ऑलरेडी मैसेज कर दिया है, और मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट करके चलता हूँ अपने होस्ट के। तो भाई देख लो एक बार हावड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर का नज़ारा। ओ भाई नज़ारा नज़ारा, कलकत्ता कलकत्ता में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। ओ भाई साइड दे दो यार भाई, यहाँ पे ज़्यादातर अपने जेब पॉकेट संभाल के चलना पड़ेगा यार, इसलिए मैं एक हाथ से पकड़ा हूँ कैमरा और दूसरे हाथ से पकड़ा हूँ मैं वाला मोबाइल। भाई अभी मुझे ढूंढना है बस, और बस पकड़ के सीधा जाना है अपने होस्ट के यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चोरी होती है यार यहाँ पे हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन, फिलहाल मैं भीड़ से बाहर आ गया हूँ, और मुझे डर था कि भीड़ में कोई बंदा पक्का लेके मोबाइल भागेगा, इसलिए तो मैं एक हाथ से पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। बहुत चोर होते भाई, चलते चलते मेरा एक बंदा अभी आके स्टिक खींच रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कमज़ोर हो तो इसे छीन के भाग जाएगा। भाई ये देख लो हावड़ा ब्रिज जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ का, और मुझे वीडियो शूट करना भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि कोई बंदा आके मोबाइल लेके भाग ना जाए। भाई साहब जो मुझे अभी मेरे होस्ट ने भेजा है उसका ये बस नंबर 12C2DN161 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो बस मिल नहीं रहा है और मैं बस ढूंढ रहा हूँ। 7 किलोमीटर है मेरे होस्ट का हावड़ा ब्रिज यानी कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर उनका है प्लेस जहाँ पे मुझे रुकना है, मैं जा रहा हूँ वहीं पे। कितनी बार बोलूँगा यार, मैं थक गया बोल बोल के। ये भाई कोलकाता की फेमस मशहूर टैक्सी। चलो भाई अभी ये बस मिल गया, लेकिन अभी चेंज करना पड़ेगा बस फिर से। फिलहाल देखो भाई बस इस तरीके से है, भाई बैठने की जगह रहेगी नहीं, इससे एक बार पूछ लेता हूँ। भाई ये देखो ये गन सेल फैक्ट्री जाने के लिए कौन सा बस पकड़ना पड़ेगा? गन सेल फैक्ट्री बीबी बाजार। चलो भाई इसको पता नहीं, मैप में दिखा रहा है भाई, यूज करता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं खुद नया हूँ, आप उनसे पूछो कंडक्टर से। ये है Thank you.
तो बता देना ठीक है। 10 रुपए का भाई टिकट दिया। फिलहाल दोस्तों देख लो भाई यहाँ पे उतार दिया है बंदे ने, और अभी भी यहाँ से जो मेरा स्टॉप का जगह है ना वहाँ 13 स्टॉप है। 13 स्टॉप पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ, हेल्प मांगता हूँ भाई, समझ लीजिएगा भाई। ये पोटाकोट स्टॉप है ना दोस्त, पोटाकोट स्टॉप है ना ये। ये लो भाई, इसको बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है पोटाकोट स्टॉप। पोटाकोट पुद्दार कोट यही है। भाई ऐसा ऐसा जगह है, पता नहीं इन लोगों को याद ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है यार क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। 43 बस पकड़ता हूँ, 43 नंबर वही पकड़ के निकल जाता हूँ भाई, किसी से पूछ रहा हूँ किसी को पता ही नहीं है यहाँ का। भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कोलकाता में यार, होना मांगता है भाई। कितना हुआ भैया टिकट? 15 रुपया। चेंज तो नहीं करना पड़ेगा ना अभी? नहीं नहीं पूरा दे दिया उसने। वेल दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बीबी बाजार अपने होस्ट के बताए हुए एड्रेस पे, और उनको मैं कॉल किया था तो वो बोले थे भाई अभी मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, यानी कि मीटिंग में बिजी हैं, और मैं बस ट्रेवल करके भाई सरकारी बस में आया हूँ। इतना ज़्यादा अभी के टाइम देख लो 7:05 हो रहे हैं यहाँ पे, देख लो आप लोग 7:05 हो रहे हैं, और ये साढ़े छः किलोमीटर का सफ़र था भाई, लेकिन लग गया 1.5 घंटा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, लेकिन ये थोड़ा आउट एरिया में पड़ रहा है मुझे लगता है बीबी बाज़ार, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख लो यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जो मेन हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास वहाँ से 2-3 किलोमीटर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि पूरा 2-3 किलोमीटर क्रॉस करते करते भाई 1 घंटे का टाइम ले लिया। भाई साहब अंदर मेरे होस्ट बुला रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर आ जाओ भाई, उन्होंने लोकेशन फिर से भेजा है और मैं वही लोकेशन को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ यार। आप है वकार भाई का? हाँ 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 इधर आइए। आपको भेजे थे? आपको भेजे थे? हाँ वही हमारे होस्ट ने साहब को भेजा है, उन्होंने बोला उनसे पिक कर लो, और फिलहाल वो अभी मीटिंग में, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखो भाई ये है, बहुत अंदर है भाई, पूरा मुंबई वाली गली फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। तो भाई फिलहाल मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने होस्ट के यहाँ पे, जो भी नहीं है। वकार भाई कहाँ पे? वो भी मीटिंग में आ रहा है। मीटिंग में ना, उन्होंने मुझे कॉल किया था, बताया था कि मैं मीटिंग में, फिलहाल रुको दोस्तों मिलता हूँ। फिलहाल ये देखो हमारे होस्ट ने मुझे गद्दा उद्दा यहाँ पे दे दिया, इन्होंने बोला कि आप आराम करो और आपके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं मीटिंग में। तो भाई ये बात तो माननी पड़ेगी हर बंदा, तो फिर ही नहीं होता ना। मैं बोला भाई ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है आप आ जाओ आराम से मुलाकात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और वो शायद ऑफिस में है, और आएंगे तो मुलाकात होगी, फिर आप लोगों से भी मिलाते हैं। हाँ जी आपका इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि मिलाएंगे भाई से। और क्या हाल चाल है? काम काम करते हैं आप? अभी हमारा बिजनेस है ना। अच्छा आपका बिजनेस है? हम भी यूट्यूबर बनते बनते रह गए, और हमने हमारे भी एक चैनल है। अच्छा लेकिन ज़्यादा प्रमोट नहीं है, और हमने काफ़ी सारा कंट्री घूम चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा आप कौन कौन से कंट्री घूम चुके हैं?
सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपीन दो बार। तो दोस्तों अभी जो हमारे होस्ट थे वो चले गए हैं अपने रूम पे और मुझे यहाँ पे गेस्ट रूम पे डाल दिया है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रुक जाओ और रुकना है तो कल जाओ तो कल चले जाओ और बाकी जब तुम्हारा मन चाहे तो चले जाओ। उन्होंने मुझसे पहले पूछा कब जाओगे, मैंने बोला कल जाऊँगा, बोला ठीक है आपको रुकना चाहो रुक सकते हो, जाना चाहो जा सकते हो। तो उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे देखो भाई खाने के लिए शाम को बिरयानी भेजा है। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। यही मेरा ट्रेवलिंग का चीज़ यानी कि क्या बोलते भाई, यही मेरा ट्रेवलिंग का पैशन है कि भाई मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। तो बहुत तगड़ी वाली बिरयानी बना के उन्होंने भेज दिया है, हालांकि बनाया नहीं खरीद के भेजा है। 3-4 दिन मिला के वीडियो मैंने पूरी शूट की है भाई, बहुत मेहनत लगता है। और फिलहाल यहाँ पे देखो किचन भी है, यहाँ पे उन्होंने खाना भी बनाया है लेकिन उन्होंने मेरे लिए स्पेशल बिरयानी मंगाया है तो उसको खाते हैं भाई और फिर यहीं पे आराम से गंदे पे सो जाते हैं और फिर कल बांग्लादेश के लिए निकलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। भाई एक बार आप लोगों को बिरयानी का नज़ारा दिखाना चाहूँगा यार, ये जम जम करके भाई बिरयानी थी तगड़ी वाली बिरयानी, पूरा फूल गर्म भाप उड़ रहा, मज़ा आ जाएगा खा के। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल। बिरयानी खा रहा हूँ जो वकार भाई ने मुझे दिया है, बोला कि खा लो भाई इंजॉय करो किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, चला जो बांग्लादेश और घूमना। और वहाँ पे भी उन्होंने बोला मैं तुम्हें नंबर दूंगा अपने दोस्त का, अगर वहाँ पे रुक सकते हो अगर तुमको होश नहीं मिलते हो तो। मैंने बोल दिया भाई मुझे होश मिल चुके हैं। देखो भाई ये पूरी बिरयानी उन्होंने मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए ऑर्डर किया है, आलू भी है चिकन भी है।